इंडिया के मदरसे बंद होंगे या नहीं? सीजीआई चंद्रचूड़ का आया बड़ा फैसला। केंद्र राज्य सरकारों को क्यों थमाया नोटिस? एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मदरसों को बंद करने की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, जिस पर सीजीआई चंद्रचूड़ की 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। तो क्या देश भर के मदरसे बंद होंगे या फिर खुले रहेंगे? सीजीआई चंद्रचूड़ के इस फैसले में है। साथ ही सीजीआई की अगुवाई वाली इस बेंच ने केंद्र और राज्यों के सरकारों को नोटिस भी थमा दिया है। मुद्दा बेहद गंभीर है, तो फिर चलिए जानते हैं सीजीआई ने मदरसों को लेकर क्या फैसला सुनाया है। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार सिंह, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। इस बेंच में सीजीआई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच ने एनसीपीसीआर की सिफारिश पर रोक लगा दी है, यानी कि सीजीआई की बेंच ने एनसीपीसीआर की सिफारिश पर कार्रवाई करने से पूरी तरह से मना कर दिया है। इतना ही नहीं, सीजीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली इस बेंच ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक नोटिस भी जारी कर दिया है। वहीं अब इस मामले की सुनवाई 4 हफ्ते के बाद की जाएगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा एनसीपीसीआर के 4 जून, 25 जून और 27 जून को जारी किए गए रिपोर्ट पर भी रोक लगा दी है। साथ ही इन तारीखों के बाद एनसीपीसीआर की तरफ से उठाए गए सभी कदमों पर भी सीजीआई की बेंच ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। गौरतलब है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के स्टूडेंट्स को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने के यूपी सरकार के फैसले पर भी रोक लगा दी थी। अब सवाल यह है कि आखिर एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट में क्या सिफारिश की थी। दरअसल ये पूरा मामला शिक्षा के अधिकार के कानून को पालन करवाने को लेकर है। इसका आधार बनाकर एनसीपीसीआर ने सरकारों की तरफ से फाइनेंशियली चलाए जाने पर और सहायता प्राप्त मदरसों को बंद करने की सिफारिश की थी। इसी के तहत एनसीपीसीआर ने अपनी एक रिपोर्ट भी पेश की थी, जिसमें मदरसों की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता भी इसने जताई थी। साथ ही सरकारों की तरफ से दी जाने वाली धनराशि को तब तक रोकने की मांग की थी जब तक कि मदरसे शिक्षा के अधिकार के कानून का पालन नहीं करते। एनसीपीसीआर ने मदरसों से सभी गैर मुस्लिम बच्चों को निकाल कर आरटीई अधिनियम 2009 के मुताबिक बुनियादी शिक्षा वाले स्कूलों में भेजने की सिफारिश की थी। इस बारे में एनसीपीसीआर का कहना था कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से बुनियादी शिक्षा में मदरसों के बच्चे पिछड़ जाते हैं। ऐसे में मान्यता प्राप्त या फिर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से उन बच्चों को निकाल कर औपचारिक स्कूल में एडमिशन दिलवाया जाए। साथ ही आरटीई के अधिनियम 2009 के मुताबिक उनको एजुकेशन दिया जाए। एनसीपीसीआर ने यह भी कहा था कि देश भर के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार एक समान मिलनी चाहिए। हालांकि मदरसों से जुड़ा ये मामला राजनीतिक हलकों को भी गर्म करता रहा है। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के बाद विपक्ष ने बीजेपी की केंद्र सरकार और यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला था, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर की सिफारिश पर रोक लगा दी है तो जाहिर है विपक्ष काफी खुश नजर आएगा। लेकिन सीजीआई की बेंच की तरफ से दिया गया ये फैसला बीजेपी के लिए मायूसी का सबब जरूर बन गया होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।